उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में बड़ी संख्या में नेपाली नागरिकों का रुपईडीहा पहुंचने का क्रम जारी है। आपको बता दें कि आज 13 लोग और रुपईडीहा पहुंचे, उन्हें नेपाल सरकार लेने से मना कर रही है। इनमें नेपाली जिले सुर्खेत, दैलेक, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, तुलसीपुर व घोराही दांग के निवासी है। यह सभी भारत के विभिन्न शहरों में काम के सिलसिले में गए थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण भारत में पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण सभी अपने देश लौटने को मजबूर हो गए। सीमा सील होने के कारण उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम क्वारंटाइन सेंटर भेज रही है। सभी नागरिकों को बाबागंज स्थित हाजी मोहम्मद यूसुफ डिग्री कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। अब तक 127 लोगों को इस सेंटर में रखा गया है। यह जानकारी क्वारंटाइन प्रभारी डॉक्टर अंकुर बिहारी ने दी। अभी तक कितने लोग यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया? यहाँ पे आज की डेट में कुल 122 लोग क्वारंटाइन हैं। 122 जी। कल एक रुपईडीहा से एम्बुलेंस महिला को लाया गया था, उसको कहाँ पे शिफ्ट किया गया? उसको शिफ्ट किया गया जिला में मिशन हॉस्पिटल में। जी। आज की डेट में 7 या 8 लोग एम्बुलेंस से द्वारा आए थे, उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। जो आज रुपईडीहा से 8 लोग को एम्बुलेंस द्वारा यहाँ पे शिफ्ट किया गया था, वो लोग यहीं पे हैं? यहीं पे जी। खाने की व्यवस्थाएँ क्या हैं? यहाँ पे खाना इनको सुबह मिलता है, सुबह नाश्ता मिलता है, चाय जी रहेगा, सुबह लंच मिलता है जी, है। बाकी और चीज़ की सुविधाएँ जैसे लाइट हुआ या शाम को यहाँ पे इन्वर्टर की व्यवस्था है, यहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था है जी, और सब कुछ शौचालय की व्यवस्था ठीक ठाक है यहाँ पे जी। क्वारंटाइन किए गए लोगों का कहना है कि जब हम लोगों को कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं, तो हम लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में क्यों रखा जा रहा है? हम लोग भारत के विभिन्न स्थानों में पहले ही क्वारंटाइन होकर आ रहे हैं, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। हमारा देश हमें क्यों नहीं ले रहा है? अधिकतर लोग भारत के विभिन्न शहरों से कभी पैदल तो कभी सवारी साधन या तो साइकिल से अपने देश पहुँचने के आस में रुपईडीहा तक पहुँच रहे हैं। कहाँ रहने वाले हो? तो कहाँ काम करते थे? कुरला में। मुंबई? तो वहाँ से कब चले? आज 5 दिन हो गया। काहे से आ रहे थे? ट्रक से। तो यहाँ कैसे, यहाँ आपको कैसे लाया गया? आए यहाँ से तब पकड़े। कहाँ पकड़े आपको? तो ये जो रास्ते का सफर था, ये रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था क्या हुई आपके लिए? एक भी तो मिला है और बाकी नहीं मिला। अच्छा, जाना कहाँ है आपको? नेपाल। नेपाल पे कहाँ? रांझा। रांझा जाना। विष्णु टोका। कहाँ के रहने वाले हो? तो कहाँ काम करते थे? आजमगढ़ में। तो वहाँ से कैसे आए? कहाँ पर? पैदल। कहाँ पर? ट्रक जी। कहाँ पर? पैदल। कहाँ पर? ट्रक। अच्छा, ट्रक में। तो यहाँ ये सॉल्टर हाउस बाबागंज में कैसे तुमको यहाँ ला गया? कहाँ मुलाकात हुई पुलिस वालों ने? कहाँ पकड़ा आपको? हमको बाबागंज। तो अभी अभी आए हो? आजमगढ़ से कब चले थे? आजमगढ़ से आज हो गए 4 दिन। तो रास्ते में खाने पानी की व्यवस्था? रास्ता में फैजाबाद में खाना मिला था, वहाँ से हमने राशन बुक किया है। यहाँ पे अभी कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिली आपको? अखंड भारत न्यूज के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट, बहराइच।